गांव में बहादुर सिंह नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। बहादुर बहुत गरीब था। उसकी पत्नी उसे ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसा डरपोक और भोंदू पति मिला है, बस खेत पर जाकर थोड़ा बहुत काम कराता है और रोटी खा लेता है। इतने दिनों से एक ही साड़ी पहन रही हूँ, इसको तो होश ही नहीं है कि मेरे पास कपड़े हैं भी या नहीं। क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह बकने लगी? कहा ना, इस बार दिवाली पर 4 साड़ियाँ ला दूंगा। अरे हटो भोंदू इंसान, तुमसे ना हो पाएगा। कितने दिनों से कह रही हूँ कि खेत वेत बेच कर कुछ ढंग का काम शुरू कर लो। नाम है बहादुर सिंह और हो महा डरपोक। बहादुर सिंह अपनी पत्नी की कचर कचर से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके घर से खेत के लिए निकल जाता। आज सुबह जब वो खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक शेर उसके खेत में बेहोश पड़ा हुआ है। शेर के पेट पर एक घाव था। अरे रे रे रे, भागो, ये शेर कहां से आ गया? ये सो रहा है या बेहोश पड़ा है? लगता है ये घायल है। क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए? कहीं ये मुझे खा ना जाए। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा नाम बहादुर सिंह है। मैं शेर की मदद करूंगा और अपनी पत्नी के सामने साबित कर दूंगा कि मैं डरपोक नहीं हूं। बहादुर शेर के पास जाकर उसे छू कर देखता है। बहादुर शेर के पेट में बार बार उंगली घुसाता है। शेर अचानक दहाड़ पड़ता है लेकिन उठ नहीं पाता। अरे रे रे रे, मर गया रे, मुझे मत खाओ। लगता है अपने घाव के कारण उठ नहीं सकता। बहादुर एक बैलगाड़ी लाता है और शेर को बैलगाड़ी पर डालकर अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी जब शेर को देखती है तो चौंक पड़ती है। तो पागल हो गए हो क्या? ये शेर कहाँ से उठा लाए? तुम ही तो कहती थी कि मैं डरपोक हूँ। अब देखो, मैं अपने साथ शेर लेकर आया हूँ। आज के बाद मुझे डरपोक मत कहना। और तुम डरो नहीं, ये घायल है, हमें इसकी मरहम पट्टी करनी है। बहादुर और उसकी पत्नी शेर का घाव धोकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। कुछ दिनों बाद शेर की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती है लेकिन उसका घाव पूरी तरह नहीं भर पाता। मेरा घाव ऐसे नहीं भरेगा क्योंकि मैं साधारण शेर नहीं हूँ। तुम इंसानों की भाषा बोल सकते हो? हाँ, जंगल में जाओ। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है जिस पर हरी टहनियाँ आती हैं। वहां से एक पतली टहनी तोड़ लाओ। वो टहनी मेरे सिर पर रोजाना छुआना, फिर मेरा घाव भर जाएगा। बहादुर जंगल जाकर हरी टहनी ले आता है। वह शेर के सिर पर टहनी को हल्के हल्के छुआता है। टहनी छुआने पर शेर अपने मुंह से एक सोने का सिक्का बाहर निकालता है। अरे ये क्या है? ये तुम्हारा इनाम है। बहादुर और उसकी पत्नी शेर के सिर पर रोजाना कुछ देर टहनी छुआते रहे। शेर का घाव भरता जाता है और उनके घर सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। बहादुर सिंह की पड़ोसन रामकली रोजाना बहादुर और उसकी पत्नी को बाजार से नया नया सामान लाते देखती। आखिर चक्कर क्या है? ये बहादुर और उसकी पत्नी आजकल रोजाना बाजार घूम के आ रहे हैं। पड़ोसन रामकली एक दिन चुपके से खिड़की द्वारा उनके घर में झांक कर देखती है। वह देखती है कि बहादुर शेर के सिर पर टहनी मार रहा है और शेर अपने मुंह से सोने के सिक्के निकाल रहा है। अच्छा, तो ये बात है, इनके पास कोई जादुई शेर है जिसके सिर पर डंडा मारो तो वो सोने के सिक्के देता है। पड़ोसन जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। अगर हम उस शेर को ले आए और उसके सिर पर डंडे मारे तो हमारा घर सोने के सिक्कों से भर जाएगा। अब भला पड़ोसन रामकली को क्या पता था कि शेर के सिर पर डंडे नहीं
बल्कि एक विशेष टहनी मारने पर ही सोने के सिक्के निकलते हैं। एक दिन जब बहादुर सिंह और उसकी पत्नी बाजार गए हुए थे, तो पड़ोसन रामकली और उसका पति बहादुर सिंह के घर में घुस गए। उन्होंने शेर के सिर पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। शेर को गुस्सा आ गया और वह उन दोनों को खा गया। तभी तो कहते हैं, कई बार जो दिखता है वह सच नहीं होता। बिना सोचे समझे निर्णय लेने वालों की वही दशा होती है जो रामकली और उसके पति की हुई। जग्गू नाम का एक केला बेचने वाला हीरापुर गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। जग्गू का परिवार सुबह जल्दी उठ जाता था। पापा, जब सोनू छोटा था तो ये अपने कच्चे में सुसु कर लेता था ना? तभी मम्मी इसके डंडे बेलती थी। तू भी तो जब छोटी थी तो तेरी नाक बहती रहती थी, इसीलिए मम्मी तेरी नाक में चिमटा लगा दिया करती थी ताकि तेरी नाक बाहर ना आ जाए। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरे का मजाक बनाना बंद करो और जाकर नहा लो। जग्गू सुबह सुबह मंडी जाकर केले खरीद लेता। फिर वह अपना ठेला सेंट्रल पार्क के गेट पर खड़ा कर लेता। आइए मैडम, बहन जी, बाबूजी, बढ़िया ताजे मीठे केले खाइए। आइए मैडम, बहन जी, बाबूजी, बढ़िया ताजे मीठे केले खाइए, मात्र 40 रुपए दर्जन। जग्गू के केले बिक तो जाते थे लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। हमारे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, इतने कम कमाई में घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं तो हमारी शादी के पहले से ये काम करता आ रहा हूं। मेरे पापा भी केले बेचा करते थे। आप केले ही बेचिए, लेकिन केले मंडी से मत खरीदिए। मंडी से केले खरीद कर बेचने में आपको ज्यादा लाभ नहीं हो पाता। तो कहां से खरीदूं? कहीं से मत खरीदो, अपने केले खुद उगाओ, मेरे गहने बेच दो और एक छोटा सा खेत खरीद कर उसमें केले के पेड़ के बीज बो दो। इस तरह जब हम खुद के खेत से उगे केले बेचेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। जग्गू अपनी पत्नी के गहने बेचकर एक खेत खरीदता है और उसमें केले के पेड़ उगाता है। कुछ दिनों बाद केले के पेड़ बड़े बड़े हो गए और उन पर केले आने लगे। जग्गू अब अपने खेत के उगे केले सीधे ले जाकर बेचता। उसे खूब प्रॉफिट होने लगा। उसने एक नया घर खरीद लिया और अपने बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया। बच्चों, जल्दी सो जाओ, कल हम सर्कस घूमने चलेंगे। उस रात भयानक तूफान आता है और गांव में कुछ लोगों के मकान तक गिर जाते हैं। कहीं तूफान ने हमारे केले के पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाया हो। अगले दिन जब तूफान शांत हो गया तो जग्गू अपने खेत पर गया। वही हुआ जिसका उसे डर था। तूफान में सारे केले के पेड़ उखड़ गए थे। अरे ये क्या हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब मैं क्या बेचूंगा, क्या खाऊंगा, अपने बच्चों की फीस कैसे जमा करूंगा? तभी जग्गू ने देखा खेत के किनारे पर एक पेड़ बच गया है। ये छोटा पेड़ तूफान में बच गया, लेकिन पता नहीं इसके केले अभी पके होंगे या नहीं। जग्गू पेड़ से एक केला तोड़कर उसका छिलका छीलता है। वह देखता है कि अंदर सोने का केला है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ऊपर से तो यह केला एकदम साधारण केला दिख रहा है और अंदर इसमें सोना है। जग्गू दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बुला कर लाता है। उसकी पत्नी भी एक केला छील कर देखती है, उस केले में भी अंदर सोना निकलता है। लगता है इस पेड़ के केलों के अंदर सोना भरा हुआ है। सोना देने वाला केले का पेड़ पाकर जग्गू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए।
उन्होंने कुछ सोना बेचकर केले के पेड़ों के बीज खरीदे और दोबारा अपने खेत में केले के पेड़ उगाए। तूफान में जिन लोगों के घर गिर गए थे, जग्गू ने उन्हें एक एक सोने का केला देकर उनकी मदद की। गांव में राघव नाम का एक सुनार रहता था। जब उसे पता लगा कि जग्गू के पास एक ऐसा पेड़ है जिसके केलों के अंदर सोना निकलता है, तो उसका मूड खराब हो गया। मैं इस गांव का सुनार हूँ, वो पेड़ मुझे मिलना चाहिए था। उस जग्गू गरीब को ये पेड़ कैसे मिल गया? ये तो वही बात हो गई कि लंगूर को अंगूर मिल जाए, शेर की जगह जंगल में होती है। ऐसे ही उस सोने के केले देने वाले पेड़ की जगह मेरे घर में है। एक दिन जब जग्गू खेत पर जा रहा था, तो राघव उसके पीछे पीछे लग गया। राघव ने देख लिया कि खेत में सबसे किनारे पर जो पेड़ है, उसी के केलों के अंदर सोना निकलता है। उस रात जब पूरा गांव सो गया, तो राघव वह पूरा पेड़ उखाड़ कर अपने घर ले गया। उसने वह पेड़ अपने घर में गाड़ दिया। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। राघव पेड़ से एक केला तोड़कर उसका छिलका हटाता है, लेकिन केले के अंदर सोने की जगह साधारण केला निकलता है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल सही पेड़ उठाकर लाया हूँ। राघव दूसरा केला तोड़ता है और उसका छिलका हटाता है, उसमें भी सोना नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? राघव एक एक करके पेड़ के सभी केलों के छिलके उतार कर फेंकता रहा, लेकिन उसे किसी भी केले में सोना नहीं मिला। राघव को बहुत क्रोध आ रहा था। सोना कहाँ है? जग्गू के खेत के सारे पेड़ ना उखाड़े तो मेरा नाम भी राघव पुनिया नहीं। राघव गुस्से में बिना देखे आगे बढ़ा। उसे ध्यान नहीं था कि उसने केले के छिलके जमीन पर फेंक रखे हैं। एक केले के छिलके पर उसका पैर पड़ जाता है और वह सिर के बल गिर पड़ता है। राघव का सिर फूट जाता है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ! अरे मर गया रे, कोई बचाओ! दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि दूसरों का बुरा करने के चक्कर में लोग अपने साथ ही बुरा कर बैठते हैं।